हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिना मैदा बिना आटे के एकदम नया और बहुत ही ज़्यादा चटपटा नाश्ता। इस नाश्ते को आज से पहले आपने कभी नहीं खाया होगा ना ही बनाया होगा। तो चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी के फटाफट से इस नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले। साथ में जो घंटी आती है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दे, ताकि हमारे चैनल पर जब भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन यानी कि मैसेज आपको मिल सके और आप फटाफट से वीडियो को वॉच कर सकें। तो चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी के फटाफट से इस नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, इस नाश्ते को बनाने के लिए आपको किसी तरह की आटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई और उसमें हम डालेंगे 1.5 कप जितना पानी। तो पानी आपको सिर्फ 1.5 कप ही डालना है। तो अब अपने पानी में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और इसे हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तो जैसे ही हमारे पानी में हल्का सा उबाल आने लगेगा, हम इसमें डाल देंगे 1 कप जितनी सूजी। तो सूजी आपको महीन दाने वाली लेनी है, मोटी दाने वाली बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है। अगर आपके पास महीन वाली सूजी नहीं है तो आप इसे पीस कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमें सूजी को पानी में डाल देना है और गैस की फ्लेम आपको लो ही रखनी है और इसे आपको कंटिन्यूसली चलाते रहना है जब तक कि हमारी जो सूजी है वो अच्छे से पानी को अब्सॉर्ब नहीं कर लेती और एक डो की फॉर्म में नहीं आ जाती। तो यहाँ तक आपको अपनी गैस की फ्लेम को लो ही रखना है जब तक कि हमारी जो सूजी है वो अंदर तक अच्छे से कुक नहीं हो जाती। तो इसे हम बराबर चलाते हुए अच्छे से पकाएंगे। 2 से 3 मिनट में हमारी जो सूजी है वो अच्छे से कुक हो जाती है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे कुक होने में। तो देखिए, इस तरह से आपको सूजी को पकाना है। तो देखिए, यहाँ पर आपको मैं दिखा देती हूँ, सूजी के अंदर एक भी दाने नहीं होने चाहिए। इस तरह से ये बिल्कुल परफेक्टली कुक होनी चाहिए। तो अब अपनी गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इस सूजी को हम हल्का सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए फ्रेंड, जब तक कि हमारी सूजी ठंडी हो रही है तब तक ये अपनी हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो फ्रेंड, स्टफिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में डालेंगे 2 छोटे चम्मच के करीब तेल और जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जितना साबुत जीरा। जीरे को हम अच्छे से चटकने देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधी बारीक कटी हुई प्याज और इन सभी चीज़ों को हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। जैसे ही हमारी प्याज हल्की सी कुक हो जाएगी और इसका जो कच्चा पानी है वो निकल जाएगा, तब हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप जितनी फ्रोजन मटर। तो ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी। तो इसे डालकर भी हम 1 से 2 मिनट के लिए इसे अच्छे से पकाएंगे। तो फ्रोजन मटर को आपको अच्छे से कुक कर लेना होता है क्योंकि ये बाद में बहुत ज़्यादा देर तक कुक नहीं की जाती है। तो बस 1 से 2 मिनट इसे अच्छे से सॉटे कर लेंगे। तो जैसे ही हमारी मटर अच्छे से कुक हो जाएगी हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच जितना चिली फ्लेक्स। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच जितना कश्मीरी लाल मिर्च। 1 चुटकी जितना हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 से 4 बॉयल किए हुए आलू। तो आलू को हमने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। अगर आपके पास उबले हुए आलू नहीं है तो आप यहाँ पर कच्चे आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कच्चे आलू को पकाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, अगर आपके पास उबले हुए आलू होंगे तो काम फटाफट हो जाएगा। तो आलूओं को भी हम 1 से 2 मिनट के लिए इसके साथ अच्छे से भूनेंगे। तो आलू को अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच जितना अमचूर पाउडर। स्वाद अनुसार हम इसमें डालेंगे नमक। थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, तो इसे आप ज़रूर डालिएगा। तो अब इन सभी चीज़ों को डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और आलूओं को भी हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा मैश कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए, आलू को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मैश करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच जितना गरम मसाला पाउडर। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी ब्रांड का सब्जी मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे डालकर भी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। तो इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से भुनाई करना है। जितनी देर तक आप इसे अच्छे से भूनेंगे उतनी ही हमारी चटपटी स्टफिंग तैयार होगी। तो देखिए, इस तरह से हमने इसे अच्छे से भून लिया है। तो अब अपनी गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक हमारी स्टफिंग ठंडी हो रही है तब तक ही अपनी हम सूजी को चेक कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सूजी हमारी हल्की से ठंडी हुई है लेकिन प्रॉपर तरीके से ठंडी नहीं हुई। तो अब इसी टाइम आपको इसके ऊपर काम करना है। तो इसे आपको इस तरह से चम्मच से हल्का हल्का प्रेस करते जाना है ताकि हमारी जो सूजी है वो अच्छे से स्मूथ हो जाए और इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स ना हो और ये एकदम से एक डो की फॉर्म में आ जाए। जब आप इसे अच्छे से बांधे तो ये अच्छे से स्मूथली बन जाए। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको इसे बाइंड करना है। तो इसे आपको हाथों से मसल कर अच्छे से डो की फॉर्म में लाना है। तो जिस तरह से हम आटे को हल्का सा स्मूथ करते हैं गूंथ कर, उसी तरह से आपको इसे अच्छे से स्मूथ करना है। इसे आपको थोड़ा सा गर्म में ही करना है ताकि हमारा जो डो है वो एकदम सॉफ्ट और मुलायम हो जाए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इसी तरह का डो आपको लगाकर तैयार करना है। इसके अंदर एक भी दाने नहीं होने चाहिए सूजी के और इसे जब आप खींचे तो इसमें थोड़ा सा लचीलापन होना चाहिए। तो इस तरह से आपको अपने आटे को अच्छे से गूंदना है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट हमारा ये डो बनकर रेडी हो चुका है। तो अब इसकी हम फटाफट से लोइयाँ काट लेंगे। तो इस तरह की हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से अपनी सारी लोइयों को हम तैयार कर लेते हैं।
तो बहन हमने भी सारी लोइयों को बनाकर रेडी कर लिया है, तो अब इसे हम फटाफट से बेलना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम अपनी एक लोई को ले लेंगे और इसे हम हाथों से इस तरह से अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। उसके बाद हम इसे डायरेक्ट चकले पर रख देंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि इसे बेलने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो जिस तरह से हम पूरी बेलते हैं उसी तरह से आपको इसे बेलना है, पर ध्यान रखना है कि आपको इसे एक समान बेलना है, कहीं से मोटा और कहीं से पतला नहीं होना चाहिए। तो रोटी को अच्छे से बेलने के बाद अब इसे हम एक बोल की हेल्प से इस तरह से कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसे किसी भी कुकी कटर से भी कट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी जो थिकनेस होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं, तो मीडियम साइज़ की थिकनेस होगी। तो इसी तरह से हम दूसरी रोटी को भी बेल लेंगे। तो बस आपको ध्यान रखना है कि ये कहीं से मोटी और कहीं से पतली नहीं होनी चाहिए और बहुत ही जल्दी ये बेलकर रेडी हो जाती है। तो आपको इसे एक साथ नहीं बेलना है, एक एक करके छोटी छोटी लोई बनानी है और इसे आपको अच्छे से बेलना है। तो यहाँ पे मैं एक बिना आटे के भी लगाकर इसे बेल ली हूँ। देख सकते हैं ये बिल्कुल भी चिपकता नहीं है चकले पर। तो इस तरह से आपको इसे बेल कर रेडी कर लेना है। तो चलिए फटाफट से अपनी सारी रोटियों को हम तैयार कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमने अपनी सारी रोटियों को बेल कर तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं कि हमने सारी रोटी को एक समान ही बेला है। तो अब हमने जो अपनी स्टफिंग तैयार की थी उसे हम ले लेंगे और उसे हम 1 से 2 चम्मच के करीब इस तरह से इसके साइड में फिल करेंगे। तो इस तरह से आपको इसे फिल करना है और इसी तरह से हम अपनी सारी रोटियों को अच्छे से फिल कर लेंगे। तो फिलिंग आपको एक साइड ही रखनी है और इस तरह से आपको इसे अच्छे से टैप कर देना है। तो चलिए फटाफट से अपने सारे नाश्ते को हम इसी तरह से बना लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम एक पैन ले लेंगे, उस पर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं एक ब्रश की हेल्प से ऑयल लगा रही हूँ, आप चाहें तो किसी भी चम्मच की हेल्प से भी इसे लगा सकते हैं। तो बहुत ही हल्का सा ऑयल लगाना है आपको। इसके बाद हमने जो अपने नाश्ते को तैयार किया था उसे हम एक एक करके इसके ऊपर रखेंगे और गैस की फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से कुक होने देंगे। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट ही लगेंगे इस नाश्ते को कुक होने में और इसके ऊपर साइड वाले हिस्से पर भी हम हल्का सा ऑयल लगा देंगे ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी हो पाए। और जब ये एक साइड से अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा तब इसे हम पलट देंगे और पलट करके हम दूसरी साइड भी इसे अच्छे से क्रिस्पी होने तक पका लेंगे। जो जितना क्रिस्पी आपको चाहिए आप उतना क्रिस्पी इसे सेक सकते हैं। तो देखिए हमारा नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है। तो जब ये दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे। तो चलिए फटाफट से अपने सारे नाश्ते को हम गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स बनकर रेडी हो चुका है हमारा ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और टेस्टी नाश्ता। इसे आप सूजी का टोकोस भी बोल सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और खाने में क्रिस्पी होता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है क्योंकि हमने इसे बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाया है। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और हमें कॉमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसे शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही नई मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।